कि जब जब संतानों पर जब संतानों विपत्ति के बादल मंडराते हैं वो माँ को ही पुकारते हैं और करुणामयी माँ दुर्गा हर बार आकर आसुरी शक्तियों का विनाश करती है ये संपूर्ण ब्रह्मांड माँ दुर्गा की पावन ज्योति पुंज से प्रकाशित है संचालित है हम सभी जीव उसी दिव्य ज्योति पुंज के अंश मात्र हैं उसके अधीन है उसमें एकाकार हो जाना ही हमारा परम लक्ष्य महामाया महाशक्ति माने रूप अनेको धारे जब जब पाप बड़ा धरती पर दानव अहंकारी मारे तालियों के साथ बड़ी सुंदर झांकी आई काली धरती अंबर कापे महाक्रोध में आई काली धरती अंबर कापे बरसाए अग्नि के शोले माँ चंडी की आके महाक्रोध में आई काली धरती अंबर कापे बरसाए अग्नि के शोले माँ चंडी की आके दानव डरकर सरपट भागे एक रूप चंडी का दानव डरकर सरपट भागे जोर चले ना किसी दुष्कामा चंडी के आगे
लटकाए कमर पे तांडव किया निराला। मुंड के शर्मैया ने काटे पकड़बाल से चंड मुंड के, पकड़बाल से चंड मुंड के शर्मैया ने काटे भक्त बीज का खून पिए माँ जीवा को फैला के। इस तरह काली माँ का क्रोध बढ़ता गया, यहाँ तक कि इनके रौद्र को शांत करने के लिए जब देवगण भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। ये देखकर काली माँ का क्रोध शांत हो गया और शिव जी के आदेश पर काली माँ सारे जगत के प्राणियों के लिए ममतामयी माँ के रूप में परिवर्तित हो गई।